पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो क्रिस्त मेरे भाइयों उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर की कृपा से ही यह मिशनरी जो जॉय की स्थापना हुई है और ईश्वर ने भी हमारे हाथों से हमारी प्रार्थनाओं से उसे आशीर्वाद दिया है। हम प्रार्थना करें कि यहाँ प्रभु का निवास हो और कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु सुसमाचार का प्रचार हो और कि प्रभु के आज्ञा के अनुसार रात्रि प्रेम और उसके प्रेम सब तरफ यहाँ पर फैल जाए। इसके लिए हम उसे सबसे प्रार्थना करें अभी हम अपने सारे पापों के लिए पीछे प्राप्त करें ताकि इस पूरे बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। Thank you.
13 तारीख को मई महीना में प्रतिमा की माता मरियम की याद की जाती है, उसका त्यौहार मनाया जाता है। उसी के आखिर में आज 12 तारीख को सदर की आशीष हो रही है। हम प्रार्थना करें हे प्रभु, हम जिस पास का संस्कार का समारोह सहज मना रहे हैं, उसके योग्य आचरण भी कर रहे हैं, इसके चिरस्थायी सामर्थ्य से हमें सुरक्षा और मुक्ति प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा, जो तेरे तथा वज्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीत राज्य करते हैं। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 22 से 31 तक। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने दो व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बा कहलाता था तथा सीरस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित, आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि हम प्रतिनिधियों को चुन ले और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। ये वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पार्ट एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्याएं 19 से 22। आप लोग अब परदेसी या प्रवासी नहीं रहे बल्कि संतों के सर नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। यह प्रभु की वाणी है। यह मेरी आज्ञा है तुम एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करने वाला है। मैं तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ तुम दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी अभी सुसमाचार में हमने सुना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। और जैसा कि हम जानते हैं ये 10 आज्ञाओं में एक
बहुत बड़ी आज्ञा है। पहली तीन आज्ञाएं यीशु के साथ जुड़ी हुई है, बाकी सात आज्ञाएं पड़ोसी प्रेम से जुड़ी हुई है। तो हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट बार बार हमें कहते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो, और हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट ने इसका उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उसने मनुष्य जाति के प्रेम के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? न केवल अच्छे लोगों के लिए, बल्कि जो उनके विरुद्ध काम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को भंग करते हैं, उनके लिए भी उसने अपने प्राण कर दिया। तो एक दूसरे को प्यार करो, ये बहुत बड़ी आज्ञा है। और एक दूसरे को प्यार करने का मतलब ये भी है कि हमने जो मुक्ति का संदेश, सुसमाचार वरदान मिला है, उसे दूसरों के साथ बांटना। पहले पाठ में हम क्या सुनते हैं कि प्रेरित लोग बहुत जगह जा जाकर सुसमाचार को फैलाते थे। और सुसमाचार में क्या फैलाते थे? कि ईश्वर ने मनुष्य के प्रेम के कारण से अपने पुत्र को संसार में भेजा, और उसके पुत्र ने मनुष्य जाति के प्यार के कारण से भयंकर दुख से अपने आप को उस पर बलिदान चढ़ाया। यही संदेश देते थे, और संदेश देते थे कि अगर हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते रहेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यही संदेश देते थे। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रेतगण जहाँ कहीं भी जाते थे, वहाँ छोटी छोटी कलीसिया स्थापित करते, और कभी कभी कुछ लोग गलत सिखाते। जैसे यहूदी लोग में प्रथा थी कि बहुत सारी प्रथाएं उनमें थी, विशेषकर जैसे हर एक पुरुष को खतने की जरूरत, सर्कमसिजन की जरूरत है, नहीं तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग जाके उधर उनको सिखाने लगे, उनका क्या तरह कि जरूरी है, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से पॉलूस और बारनावास लोग देखे कि तो बहुत बुरी बात है। और फिर पेतरस ने भी अनुभव किया कि पवित्र आत्मा को सबके लिए है, गैर यहूदियों के लिए भी है, जितना खतना नहीं हुआ उनके लिए भी पवित्र आत्मा करता है। तो झगड़े को मिटाने के लिए उन पर उन्होंने बात विचार किया, और फिर सिलास और याकूब को फिर अंता किया भेजो पौलुस बरनबास के साथ। इस तरह से चूंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा था, इसलिए उन्होंने इस बात की जो कठिनाई थी उसको उन्होंने साफ कर दिया। दूसरे पाठ में हम प्रीतियों के नाम से पौलुस को सुनते हैं। वो पौलुस कहता है कि हमें से प्रत्येक जन एक तरह से कलीसिया का सदस्य है, और हम लोग सदस्य है, और हम लोग मिलकर कलीसिया रूपी मकान को एक साथ मिलकर हम एक सुंदर कलीसिया का भवन बनाते हैं। यही हमें करना है। इसी बात को सेंट पॉल जोड़ दे रहे हैं। हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का निवास है, हमारे अंदर ईश्वर का निवास है, हम पवित्र क्राइस्ट के बलिदान ग्रहण चढ़ाते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के क्रूस में बलिदान है, हम पवित्र क्राइस्ट ग्रहण करते हैं, हम पवित्र पाठ करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, और संस्कारों को ग्रहण करते हैं। तो हम एक तरह से हम प्रत्येक से मिलकर तब हम प्रभु के भवन को बनाते हैं, कलीसिया को बनाते हैं। प्रभु यीशु की जो कोने का पत्थर बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर माना जाता था, जो कोने में ऐसा पत्थर लगाते थे दोनों दीवारों को जोड़ता, तो प्रभु यीशु किस कोने का पत्थर है, लेकिन हम लोग भी एक तरह से भवन निर्माण के पत्थर हैं। प्रत्येक जन
और हमें कलीसिया का निर्माण करना है। इस संदर्भ में और इस सोच से आगे बढ़कर हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने बहुत सारे मिशनरियों को भेजा, सारे विश्व में भेजा। हमारे प्रभु ने आज्ञा दी थी कि सारे विश्व में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र के प्रार्थना के नाम पर भक्ति सुनाओ, ये आज्ञा उन्होंने दी और इसी को पालन करते हुए प्रेत लोग सब पर चले गए। मार्कस संदेश गया, जेम्स ध्यान सागर गया, संतोमा संकहते कि भारत आया और पेट्रोस बाद में रोम चला गया, पॉलुस रोम चला गया और पॉलुस को बहुत सारे देशों में रुदन कर गया। और बाद में जैसे हमारे भारत में संत फ्रांसिस आए, जेवियर आए और उसके बाद बहुत सारे, और हमारे छतरान के क्षेत्र में सबसे पहले फादर अगस्त को स्टॉक मनाए चाईबासा में, उसके बाद में और जिन लोग आए उनमें से कॉन्सेंट्रेट उन सबसे प्रसिद्ध हुआ। ये सब प्रभु की आज्ञा और ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम सोचे तो बताने की कोशिश चले भाई, अभी ये लोग आ रहे हैं, यहाँ कोई पुरुष भी का कोई समाज नहीं इधर, लेकिन संभव हो कि कोई ना कोई आ जाए, कुछ लोग आना चाह रहे हैं तो संभव है और ये ईश्वर की इच्छा से। तो हम लोग सब मिलकर प्रभु के राज को बढ़ाते हैं, प्रभु के भवन को बढ़ाते हैं, तो कलीसिया के द्वार को बनाते हैं। तो चलिए हम हमारे प्रभु से प्रभु को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज हम लोगों की मध्यस्थता से बढ़ता जाए और हम संत मरिया से, माता मरिया से प्रार्थना करें कि वह हमारी देखभाल करें, हमारी रक्षा करें और हमें प्रेरित करें और फिर हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए उसे कार्यान्वित करें और प्रभु के राज को आगे बढ़ाएं। हम माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार के कैथोलिक कलीसिया के सभी लोगों को के अनुग्रह से सही मार्गदर्शन का कर सके और ईश्वर की कृपा से समृद्ध हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी राष्ट्रों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग अपने देश के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को ईश्वर अच्छी सद्बुद्धि और प्रज्ञा प्रदान करे कि वे लोग पूरे ईमानदारी से देश को विकास की ओर ले जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे मैकमांड्रो पारिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी काम चल रहा है वे ईश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अच्छी तरह से संपन्न हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम लोग मिशनरीज ऑफ शोय कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के सभी मेंबर ईश्वर की योजना के अनुसार कार्य करके समाज की भलाई और देखभाल करने करके एक अच्छा उदाहरण बन सके तथा हमारे फाउंडर फादर सर्जियो और मम्मा टेरेसा का ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर इस कम्युनिटी को प्रगति की ओर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम लोग सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भले यीशु, हमारे शाश्वत पुरोहित अपने अंतिम दिनों तक तेरी उपस्थिति इस संसार में बनाए रखे और विश्व के सभी राष्ट्रों और जातियों के बीच तेरी मुक्ति कार्यों को पूरा करने के लिए तूने हम में से कुछ लोगों को तेरी दिव्य पुरोहित हिताई के लिए चुन लिया है। तेरे इस असीम दयालुता और प्रज्ञा के लिए पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे,
हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु कृष्ण द्वारा। इस आसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें।
जब कृष्ण हरे पास का कमी बिना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रोध के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित बेरी और बलि का मेमना बनकर हमारे मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विफोर होकर हर देश हर जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्ग शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। जब वे स्वेच्छा से मुक्ति के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, उसे धन्यवाद दिया और रोटी को कर उसे अपने शिष्यों को से लो और उसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ा। के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत विस्तार का रक्त जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में
हम कृष्ण मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब कृष्ण का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्राप्त सुख में बंधे रहें। प्रभु है हमारे संत का फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष केवलस और सभी याचकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की स्थिति में तथा इसे प्रेम से बना दे। हमारे उन सभी मृत माता पिता भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें आप सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य योसेफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
हर जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, अंधेरी जात सदा पाप से दूर और हर विपक्ष से सुरक्षित रहे और उसकी प्रति सतर्क रहे, जो हमारे मुख्य दाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति की ओर जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पाप उत्तर नहीं, अपनी कलीसिया को विश्वास कर दृष्टिदार और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, उसे निगरानी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर देता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, क्या मेरे यहाँ आए, किन्तु के शक्ति दे मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Thank you.
धन्यवाद विदूषक। आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें यह अवसर देखने को दिया और मिशनरी ऑफ जॉय के हाउस ब्लेसिंग के लिए आज हमारे अति माननीय बिशप फेलिक्स टोपो आए और अपने खुले हाथों से कार्य को संपन्न किया। बहुत व्यस्तता के बावजूद शायद सुबह से उनका शेड्यूल टाइट था, फिर भी हमारे लिए आए, इसलिए हम हृदय से अपने द्वार प्रकट करते हैं, ताली बजाते हैं। और मिशनरी ऑफ जॉय के फाउंडर फादर सरजू, उसका भी रोम में रहते हैं और इस कार्य के लिए आए हैं, इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हम स्वागत करते हैं, ताली बजाते हैं। और फादर इग्नेस जो इस जगह को चुनने में लेने में सरजू के साथ ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2010 से ही ये लोग आए इस जगह को देखने और पहली मुलाकात में ही पसंद किए और उसी समय से सर्जियों का दिल लग गया और अपने जमीन को अपने हाथ लगा लिए, इसलिए हम फादर इग्नेस को उनके निकटतम रूप से कार्य करने के लिए हम बधाई कहते हैं और धन्यवाद देते हैं। सुंदर दिन। I cannot speak English. I would like to give thanks to God for everything, to the Virgin Mary, for these years in which we experience the providence of God in a big manner.
we touched with our hands the power of God and the intercession of the Virgin Mary. Then today we would like to give thanks to His Grace, Felix Toppo, who came here with the land. A young son of farmers. Today also you became like a son of farmers. It also, Father said already that with Father Agnes, many, many battles we faced. But now we have here the sister proceed. So we are in Mass. Really, we wish to do this one, supposed to do before the Mass meeting. I take this occasion to welcome each one of you. Especially, really we are happy to welcome His Grace, the Archbishop Felix Toppo, who gave us the honor of His presence among us for the inauguration of our house, even for Eucharisty. We are happy to really have the presence of our founder, Father Serjew came from Italy for this special occasion. We have also here Reverend Father, our parish priest, Bipin, who always available for our necessity in each thing, We welcome Father Agnes, the former Vicar General of our diocese, very near to us in all our projects, whatever we have done till today. Last but not least, our architect and contractor, Mr. John Roshan Chirayat. Thank his strong will and firm commitment, we have the joy to celebrate today the inauguration of our institution. Let us welcome also little our sisters of Bethany Convent, Ushamath and McMandro. There are two communities. Really, we give heartily welcome. Finally, are here always the parishioners, our young people are McMandro parish priest, parish, our parish, and other young people from Kokkar and other our dear nearest families and friends. All of you welcome. Lastly, really we want to welcome and give thanks the special family we say, our driver family. We called to have like a driver and cook, but they are giving their life in such a way, really we have to give thanks in this moment. We are really how to feel our own family with them, because that much they are giving their lives. So we want to welcome and give thanks. Sorry, I cannot talk in Hindi, even with my, how to say, all of my heart, on behalf of our community, I welcome and give thanks for each one of you. Thank you, sister. अंतिम प्रार्थना के लिए सभी खड़ा हम प्रार्थना करें हे प्रभु तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें या हमारे हृदय में तेरे प्रेम की वृद्धि करें हमारे प्रभु के इसके द्वारा आरा की आत्मा की
ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आपको विदा ले संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हमें परीक्षा में नाराज़ कर दूँगा ऐसे
We are so happy to have Swamiji and all the parishioners, all the community members of us and our near communities. I really thank you for coming here. Really, हम लोग बहुत खुश है कि आप लोग आए और हम लोग के साथ ये जय को शेयर करने के लिए हम लोग के साथ आए और हम लोग के साथ पार्टिसिपेट किए. इसीलिए आप सबको मेरे तरफ से और मेरे कम्युनिटी की तरफ से सहदिल से सबका धन्यवाद और थैंक यू. अभी मैं फादर सेर्जियो माय फाउंडर सॉरी मैं हमारा पैरिशनर हमारे माता लोगों को स्वागत करने के लिए वेलकम करता हूँ. Let it
बहुत बहुत धन्यवाद आम माता लोगों को लोगों के गाना के लिए. थैंक यू फॉर योर वेलकम सॉन्ग. नाउ आई वेलकम फॉर सेजियो माई फाउंडर टू ऑफ सो टू आवर स्वामी. My English is very simple. It's the first time that I received flowers. So that I thought these flowers must be dedicated to the Virgin Mary. You see here, there is the statue of the Virgin Mary of Civitavecchia. The same, it is equal to the statue who cried blood tears in 95. And why she cried, you understand? The world is going always worse. They are trying to destroy the faith, to destroy the family. And Virgin Mary surely cried like this because she is our mother. But her tears are asking us to repair. When we see our mother crying, we come close to our mother. We try to console our mother. How? How she asked her to the shepherds, little shepherds of Fatima. Tomorrow is the feast of Fatima. And we had said to our Archbishop, it was possible to do on 13th, but he was, on 13th was busy. So let us do on 12th evening is the early, the first vesper of the Virgin of Fatima. The Virgin of Fatima asked to the children to offer their sacrifice for helping her to save the world, to offer their sacrifice for the sinners in order to help her to save the world. And this we feel that is also a request that the Virgin Mary is doing to us. And we want really to help her to save the world with the offering of our daily cross. Last thing, we are happy here to begin a new community. Because I think that a new community is like a fire. Today we heard that the gospel of Jesus telling, love each other. As I loved you, he loved us through the Holy Spirit. So that a community united in the name of Jesus, as the presence of Jesus, as the Holy Spirit. With this fire of the Holy Spirit, we want to be a big fire in this world, so that to enlighten with our light, to give color to this cold world, so that we may really bring the love of God, to witness the love of God, not with many words, but with our life, as Mother Teresa did. We ask for your prayer so that we can really realize what Jesus has put in our hearts. Amen. फादर सर्जियो जो बोले आप लोग समझे होंगे. तो फादर सर्जियो बोलने का प्रयास किए कि फातिमा फातिमा की माँ है. आज जब दर्शन दिए वो रोई दुनिया के हाल को देख कर और प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट की. इसलिए हम सबों को प्रार्थना करनी चाहिए अपने लिए और दुनिया जो दुनिया में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं उन सबों के लिए. और साथ ही साथ फादर सर्जियो बोले कि
यहाँ पर ये अपनी समुदाय शुरू करने के लिए भी खुश और आज के सुसमाचार में जो प्रभु कहते हैं आज्ञा देते हैं जिस तरह से मैंने पिता को प्यार किया और उसी तरह से आप भी एक दूसरे को प्यार कर ये सबके लिए आज्ञा है और इस एक दूसरे को सही प्यार यीशु का प्यार देने के लिए ही हम सब यहाँ एक साथ जिएंगे और मेरा समुदाय कुछ हद तक साथ देगा इसलिए हम सभी साथ देंगे तभी केवल ईश्वर जो प्रेम करने की आज्ञा दी है वो इस दुनिया में हमारे क्षेत्र में पूरा तो यही कह करके आमीन का तो आज के प्रोग्राम के लिए पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर हमारे आर्चबिशप को और फादर इग्नेशियस को जो यहाँ सिस्टरों और फादर को बैठाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं और अभी फादर सामलों में रहते हैं और अभी तक कुछ कुछ कानूनी लड़ाई चल ही रहा है तो उसके लिए भी फादर आते जाते हैं सिस्टरों को मदद करते हैं इसलिए फादर बहुत बहुत धन्यवाद आपको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें और सर्जियो भी जब जब कुछ खास प्रोग्राम होते हैं आते हैं पिछले बार हल्का सा गृह प्रवेश किए थे जून महीना में उसके बाद बीच में और आए थे फरवरी में और ये तीसरी बार इसलिए फादर सर्जियो को बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी जो सपना है समाज स्थापित करने के लिए और ये आगे बढ़े ईश्वरीय राज्य प्रचार करने में आपके समाज की जो सपना है पूरा हो आपकी सपना भी पूरा हो हमारे आदिवासियों के बीच में और हम सभी प्रार्थना करते हैं आपके समुदाय के लिए अपने आपके सपनों को पूरा करने के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए और जो भी फादर ब्रदर सब जो फादर बनने के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये संस्था दिनों दिन बढ़ती जाए सो वी विश यू फॉर योर ड्रीम दैट यू हैव स्टार्टेड इन आवर ट्राइबल एरिया एंड वी प्रे फॉर यू फॉर योर गुड हेल्थ फॉर योर लॉन्ग लाइफ एंड फॉर ऑल योर brothers and sisters who are getting ready to work in the kingdom of God in your guidance. So, wish you all the best. Koi bolna chahte hain to most welcome. Sister Karuna, Swami is saying Sister Karuna. See, knows you very well. Please come. सिस्टर पीछे आई और अभी भी पीछे ही बैठी है और आज भी सब अच्छी तरह से जाने मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ हमारे बिशप को भी बिशप आप हमारे बीच आए और बलिदान चढ़ाए बहुत बहुत धन्यवाद और फादर सूर्य को भी मैं दूसरा बार देख रही हूँ आपको बहुत खुशी हो आप बहुत इंटरेस्ट लेकर हमारे बीच में आकर ये बहुत बड़ा समाज खोले हैं आपको बधाइयां देती हूँ और फादर बिपिन को भी पैरिश प्रीस्ट आप धक्का देते हैं बार बार और ये हमारे मिशनरी सिस्टर लोगों को बीच बीच में आकर गाइडेंस भी देते हैं मैं देखती रहती हूँ सो आपको बधाइयां देती हूँ फादर इग्नेशियस मैं याद करती हूँ जब मैं मखमंद्रो में थी इग्नेशियस ने लैंड लीज आउट करने के लिए मदद किए थे दूसरा बार इग्नेशियस हमारे सिस्टर लोगों के लिए भी मदद करते रहते हैं किए हैं इसके लिए भी बधाइयां देती हूँ
सभी पैरिशनर के लिए भी पैरिशनर ने आज का गाना बताया गाना ये सब परसों एकत्रित होकर गाना अभ्यास किए हैं और वहाँ से आप लोग इधर आकर खुशी बांटने के लिए आप लोग आए हैं इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ थैंक यू Thank you, sister. मैं जो बोलना चाहता था सिस्टर करुणा तो बोल मैं प्रतिमा दो बार जा चुका हूँ सबसे पहले जब मैं रोम में पढ़ता था स्टूडेंट के रूप में गया था 1988 और बिशप बनने के बाद 2002 प्रतिमा के बारे में हमको अच्छी तरह मालूम है हमने इसके बारे में पढ़ा भी है मिस्टर लूसी मिस्टर जसंता और फ्रांसिस्को जैसे कि फादर ने कहा कि माता मरिया ने रोती थी रोई और बोले कि पश्चाताप करो क्योंकि संसार में बहुत बुराई आ गई है बहुत बोली और ये छोटे बच्चे ये लोग प्रार्थना करने लगे थे और धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ वहाँ पर माता मरिया ने बहुत सारे चमत्कार भी किए जट बहुत प्रसिद्ध चमत्कार वहाँ पर सूर्य को चमत्कार जट मेरे कल उत्साह प्रतिमट तो इस तरह से मरियम ने संदेश दिया संसार को कि पश्चाताप करना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ जरूर हमें प्रार्थना करनी है अपने विश्वास को मजबूत रहना है और फिर आगे बढ़ना है ईश्वर के राज को बनाने के लिए और इन्हीं से प्रेरित होकर डॉक्टर सर्जियो कम्युनिकेशन ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया है और इसके लिए हम प्रदेश को धन्यवाद देते हैं और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तो मैं कहता हूँ मैं विशेषकर आप लोगों को कंग्रेचुलेशन देता हूँ आप लोग बधाई देता हूँ अपना समय निकाल कर आप लोग आए और छोटे समारोह में भाग लेकर बहुत अच्छी तरह से गाना गाए मंदिर में बजाए बढ़े तो अच्छा लग रहा है धन्यवाद थैंक यू जय श्री जोहार बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी अभी दो शब्द इग्नेस तरफ से फादर इग्नेस तरफ से जो यहाँ कितना कठिनाई से काम किए हम लोग तो बोले लेकिन खुद अपना अनुभव शेयर करेंगे सबसे पहले तो मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये नए संस्था यहाँ आ सकी है हम लोगों के बीच में तत्पश्चात मैं हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो जैसे समाज जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने आज अपने कर कमलों से इस संस्था के भवन का पवित्रीकरण किया ईश्वर का आह्वान किया है इस नए भवन में यहाँ के रहने वालों के साथ निवास करने के लिए के बाद मैं आप सबों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस सुंदर दिन के लिए आपने अपना सहयोग दिया है सरजियो आए बेंगलोर में बेंगलोर से उन्होंने कदम रखा आज विशेष हाउस रांची में और अपनी संस्था यहाँ स्थापित करने के लिए जगह की खोज कर रहे थे एंड स्पेशली प्रेयर टू मदर मेरी क्योंकि वो माँ है माँ हर बच्चे को की जरूरत को समझती है चिंता करती है उसी तरह से अलीसिया में माता मरियम अपने बच्चों की निगरानी करती है देख रेख करती है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने प्रिय पुत्र के माध्यम से
पिता ईश्वर के समक्ष हमारी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करती है। पुनः आप सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद फादर, जो हमारे लोगों के लिए, सिस्टम के लिए और यहाँ के लोगों के लिए आपने बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं। ईश्वर आपको स्वर्ग से पुरस्कृत करे। और जो संजय रोशन जो आप बोले चंद शब्दों में, जो कैसे झेला है, कैसे प्राप्त किया, उसे भी दो शब्द हम सुनेंगे। सर्जियो का आग्रह। गुड इवनिंग। जी हाँ, तो यहीं पर आज हम लोग का प्रोग्राम खत्म होता है। आप सबके लिए जरूर खाना मिलेगा, लेकिन तैयार नहीं है, इसलिए हम हाँ इसलिए हमारे आर्चबिशप के लिए रास्ता के लिए कुछ देंगे। खाना तो अभी तक नहीं पका है, इसलिए सॉरी कहते हैं। और एक तो किसी दिन संभव होगा तो एक छोटा सा पल्ली खड़ा कर लें। मैं यही अनुरोध करता हूँ ईश्वर स्वामी से भी, अगर संभव हो तो किसी दिन एक छोटा सा पल्ली खड़ा कर। मेरा भी फोटो खींचना, मैं हाथ मिला रही हूँ। अच्छा घर देखने दीजिए। हाँ घर देखिए देखिए घर। Hai dato un'offerta di accetti di buon cuore. Sì. Okay, sir, thank you very much. Thank you, father. But we are sad you are not remaining. Tomorrow there is a marriage. I am happy that you are seeing with your eyes the marvelous things of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hey, Father Nigel. Yo, Mr. Father Nigel. Look there, look there. हिंदी में क्या होगा स्वामी? खुशियों का। हाँ आनंद का। खुशियों का। थैंक यू अगेन। थैंक यू अगेन। That also joy, joy is common. Okay. Very good job. Thank you. Okay.
Thank you for your Hey, just I told them. And this plowed land is show. We talk to my father. Come, father. We'll take one photo. Bipin, father. Aye. Wo ka camera ke liye wo acha. Video dekhe. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Alleluia, alleluia, alleluia. Bless us, O Lord, and this your gifts which we have the vow to receive from your bounty through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Buon appetito. Have you a nice meal. बढ़िया से बात नहीं बढ़िया से अच्छा से तो पकड़ के दे रहे हैं चलो खाना जितना खा जाओ बैठो उधर कुर्सी में बैठो अच्छा बैठो बैठो जैसे बोल रहा बैठो अच्छा चलो क्या ले रहा है जल्दी का बोलू यार चलो हां आधा घंटा चलो ठीक जाओ इसे पकड़ो ना नीचे जाओ बैठना पापा के पास कहाँ है that was brought from sister Bernard अकेले बैठे हैं कोई लाते हैं ना
The day you have told me, a day or two after that. Yes. ये थे ना एक पिछले बार वहाँ लाने भेजा है बंद करो Oh,